मैनेजिंग डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। इसमें हम देखेंगे टेबल स्पेसेस, डाटा फाइल, तो डाटा कैसे स्टोर होता है। वैसे हम ऑलरेडी कुछ देख चुके हैं हायरार्की के, एक्सटेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से देखेंगे इसको। अच्छा, हाउ टेबल डाटा स्टोर। एक्चुअली आपका जो टेबल है वो लॉजिकली किसी टेबल स्पेस में स्टोर होता है, वो फिजिकली किसी डाटा फाइल में। क्योंकि टेबल स्पेस एक लॉजिकल है, जस्ट एक कंटेनर है। एक टेबल स्पेस एक या एक से ज्यादा डाटा फाइल से मिलकर बनती है, ठीक है। आप टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, उसमें एटलीस्ट एक डाटा फाइल होगी। उस वो टेबल स्पेस आप किसी यूजर को असाइन करेंगे, वो यूजर जब टेबल क्रिएट करेगा तो उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस में जाके क्रिएट होंगे और वो एज सेगमेंट क्रिएट होंगे। जब एक टेबल क्रिएट होगा तो उसको एक एक्सटेंट एलोकेट होगा। तो एक्सटेंट क्या होता है? वैसे डेटा फाइल्स को जब छोटे हिस्से में डिवाइड किया जाता है तो उसका एक्सटेंट बनता है, फिर एक्सटेंट को जब छोटे हिस्से में कहते हैं तो उसका डेटा ब्लॉक। ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड एन एक्सटेंट। एक्चुअली आपकी जो डेटा फाइल है ना पूरी की पूरी, आपकी डेटा फाइल छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिनको ओरेकल ब्लॉक्स या डेटा ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इन ब्लॉक्स का कोई साइज होता है, पूरी डेटा फाइल छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दीज ब्लॉक्स आर कॉल्ड ओरेकल ब्लॉक्स या डेटा ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स का साइज होगा जी 2, 4, 8, 16, 32 या 1632 के, ठीक है। बाई डिफॉल्ट 8 किलोबाइट के होते हैं ब्लॉक साइज। तो ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स मिलकर एक एक्सटेंट बना देते हैं। ये ब्लॉक साइज आपके ओएस पर करते हैं? आप डेटाबेस क्रिएशन पे, आप डेटाबेस क्रिएशन को बता सकते हैं ब्लॉक साइज कितना होना चाहिए। जितना ब्लॉक साइज रखेंगे वही ब्लॉक साइज बनेगा, ठीक है। 48 किलोबाइट होता है। हाँ, एक्सटेंट का साइज जो ना बाय डिफॉल्ट 64K होता है एक एक्सटेंट का साइज। और एक ब्लॉक का साइज बाय डिफॉल्ट 8 किलोबाइट होता है। आप अपनी मर्जी से इसको रख सकते हैं। एक्सटेंट का साइज तो किसी वक्त भी आप रख सकते हैं, ब्लॉक का साइज डेटाबेस क्रिएशन के वक्त आपने डिसाइड करना होता है। आठ ब्लॉक्स हो इस केस में। देन ये जी आपके डेटाबेस ब्लॉक के एक वो किस तरीके से डाटा स्टोर होता है। ब्लॉक को एक्चुअली दो तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ब्लॉक का हेडर होता है, ठीक है। एक इसका हेडर है, फिर उसमें फ्री स्पेस है और फिर उसमें डाटा है। तो इसको अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये आपके पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक का एक हेडर होगा, ठीक है। मैं इस ब्लॉक को इनलार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक में आप डाटा एंटर करेंगे, जैसे जैसे डाटा एंटर करेंगे तो ब्लॉक में डाटा एंटर होता जाएगा, और जब ये ब्लॉक फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट अवेलेबल ब्लॉक में डाटा जाएगा। ऐसे ही है ना, हर ब्लॉक में कुछ स्पेस फ्री छोड़ी जाती है, उसको पीसीटी फ्री कहते हैं, परसेंटेज फ्री। और ये बाय डिफॉल्ट 10% होती है हर ब्लॉक में। ठीक है, हर ब्लॉक में 10% स्पेस फ्री रखी जाती है। अब आपने एक रो इंसर्ट की एक ब्लॉक में, नेक्स्ट रो इंसर्ट की, नेक्स्ट रो इंसर्ट की, नेक्स्ट रो इंसर्ट की। आप जो हर रो इंसर्ट करेंगे एक ब्लॉक में, उस रो का साइज क्या होगा? एक रो का साइज कितना होगा? रो का डिपेंड करता है, ठीक है, कितने कॉलम्स है और कितने कॉलम्स में आप डाटा दे रहे हैं, कितने कॉलम्स में आप डाटा नहीं दे रहे हैं। कॉलम डेटा टाइप किया है? हाँ, डेटा टाइप किया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक रो आपने एंटर की, क्या ये भी जरूरी है कि हर रो का साइज इक्वल हो? ठीक है ना, बहुत सारे कॉलम्स आप हो सकता है डेटा ही दें, कुछ रोज में, कुछ रोज में डेटा दें, हो सकता है डिस्क्रिप्शन के फील्ड हो, एक पर्टिकुलर रो के अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो, दूसरे में आप नल दे रहे हो, उसमें तो रो का साइज चेंज हो जाएगा। तो अब अगर आप एक ब्लॉक 100% फिल कर दें और एक रो आपने एंटर की थी, उसमें कुछ फील्ड आपने नल छोड़ दी थी, बाद में उस फील्ड में आपने आपको वैल्यूज एंटर करनी है, तो क्या होगा? अब उस ब्लॉक में अगर स्पेस नहीं है तो वो पूरी की पूरी रो उठा के दूसरे ब्लॉक में मूव की जाएगी। उसको राइट माइग्रेट, रो माइग्रेशन कहते हैं, परफॉर्मेंस क्लियर है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, लेट्स से मैंने कोई फ्री स्पेस इस ब्लॉक में नहीं छोड़ी हुई, तो ये एक रो है, इसको अपडेट करके मैंने वैल्यूज कुछ और दे दी और वो उससे रो का साइज इंक्रीज हो गया। ओरेकल के देखेगा इस ब्लॉक में फ्री स्पेस है, लेट्स से नहीं है, ये पूरी रो यहां से उठाएगा, दूसरे ब्लॉक में मूव करेगा
वहां पे लॉग स्टोर करेगा, और यहां पे उसकी आईडी स्टोर कर देगा, एड्रेस स्टोर कर देगा कि ये रो आप यहां पे चली गए। अब जब आयो होगी तो एक्चुअली वो ये ब्लॉक रीड करेगा उस रो को रीड करने के लिए, और एक्चुअली उसको जब वो रो रीड करने जाएगा तो उसको पता चलेगा वो रो यहां नहीं है, यहां पे उसको दो आयो करने पड़ेंगे, आयो ज्यादा हो जाएगी। दिस इज रो माइग्रेशन। परसेंटेज फ्री, तो 10% स्पेस फ्री रखी जाती है। अगर आपके आप बाय डिफॉल्ट 10% फ्री स्पेस होती है, अगर वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती फिर भी रो माइग्रेशन है, फिर इसके इंक्रीज करें, और इस लेवल तक का एकदम से आप इंक्रीज करके आपको नहीं पता होगा कि 10% इनफ है मेरे लिए, 20% इनफ है, या 30% इनफ है। ये नॉर्मली उन केसेस में होगा जहां पे आपका शुरू में एक फॉर्म के थ्रू आप डाटा एंटर करें, इंपॉर्टेंट फील्ड सिंपली एंटर करते जाते हैं और बाद में उसको डिटेल से अपडेट करते हैं। नॉर्मली जैसे हमारे फ्रेंचाइजीज में जब सेल होती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो पुट कर देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, और बाद में फिर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बैठे होते हैं वो डाटा अपडेट करते हैं उसको। उस केस में पीसीटी फ्री आप ज्यादा रखें, लेकिन आपका डाटा एक दफा स्टैटिक आ रहा है वो रेयरली कभी चेंज हो रहा है तो फिर पीसीटी फ्री आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, पीसीटी फ्री आपने जो बाय डिफॉल्ट 10% थी आपके डाटा ब्लॉक्स बनते गए, अब आपने चेंज कर दी नए वाले ब्लॉक्स पे, आप ये कर सकते हैं कि आप वो एक नया सेगमेंट बनाए उधर से डाटा उधर मूव कर लें। ठीक है, वो पीसीटी फ्री उससे इंक्रीज कर, आप चेंज कहां करेंगे? टेबल क्रिएट करते वक्त। ठीक है, टेबल क्रिएट, टेबल टेबल लेवल पे या टेबल स्पेस लेवल, टेबल स्पेस लेवल पे 10% अगर वो कर दिया तो हर सेगमेंट के लिए 10%, सेगमेंट लेवल पे आपने उसको 20% कर दिया तो सेगमेंट के लिए वो 20%। ठीक है, नमाज पढ़ ले फिर अभी चलते हैं। अगर आपने डेटाबेस के आपने टेबल स्पेसेस अगर क्रिएट करनी हो तो आपके पास जो इंटरफेसेस हैं वो एसक्यूएल प्लस है या फिर इंटरप्राइज मैनेजर है, और एसक्यूएल प्लस के थ्रू पहले हम देख लेते हैं फिर इंटरप्राइज मैनेजर पे जाते हैं। लेट्स से एसक्यूएल प्लस पे मैं आता हूँ जी, स्लैश सिस से या आप सिस्टम से कनेक्ट होंगे। एग्जिस्टिंग टेबल स्पेसेस देखनी हो तो उसके लिए आपके पास व्यूज हैं, DBA_tablespaces के नाम से एक व्यू है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप, सारे चेक कर लें, टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा ब्लॉक अंडरस्कोर साइज कॉमा कंटेंट्स फॉर्म DBA_tablespaces। तो ये मुझे कुछ प्री created pre-defined table spaces दिखा रहा है, system, sysox, undo, temp, users and example। आप अपनी table spaces भी create करते हैं कर सकते हैं, उनका block size आपको दिखा रहा है जी 8 KB है, और कुछ table spaces हैं जो कि permanent हैं, एक undo है एक temporary है। ठीक है, permanent table spaces वो होती हैं जिसमें आपका आपके tables, आपका data, आपकी data dictionary stored हो। undo table space वो होती है जहाँ पे आपका old image रखा जाता है data का, जब वो data update या modify होता है। तो टेम्पररी टेबल स्पेस होती है जहां पे डाटा सॉर्ट किया जाता है, अगर सॉर्टिंग मेमोरी में फिट नहीं आती तो फिर टेम्पररी टेबल स्पेस में हार्ड डिस्क पे जाके सॉर्टिंग होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास एक हाँ जी पीजी एग्रीगेट में पहले सॉर्ट अटेम्प्ट होती है, अगर वहां पे पूरी ना आए तो फिर टेम्पररी टेबल स्पेस। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और व्यू है DBA_data_files, इसमें आप ले लें टेबल स्पेस नेम फाइल अंडरस्कोर नेम कॉमा बाइट्स डिवाइड 1024 स्टोर कर लेते हैं, एमडी कर लेते हैं फ्रॉम DBA_data_files सेट लाइन कर लेता हूँ 300 कॉल दिखा रहा है कि ये टेबल स्पेस है
उसमें ये एक डेटा फाइल है और ये उसका साइज है, ठीक है। तो आपने अगर टेबल स्पेसेस देखना है और हमें डेटा फाइल्स देखनी है तो डीबी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स का व्यू है। इसी तरीके से आपके पास ये व्यू है वी डॉलर साइन टेबल स्पेस एंड वी डॉलर साइन डेटा फाइल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए वो माउंट स्टेज पे तो फिर वो वी डॉलर साइन वाले व्यू से आप लेंगे, और अगर आपको ओपन स्टेज पे चाहिए तो आप वी डॉलर साइन या डीबी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल या डीबी अंडरस्कोर टेबल स्पेसेस के व्यू से ले सकते हैं, ठीक है जी। एक नई टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, मेरी एग्जिस्टिंग टेबल स्पेसेस जो है आप जहां पे मर्जी आपके पास जगह है वहां पे आप डेटा फाइल्स ऐड कर सकते हैं, यूजर वन पे, होम, ओरेकल पे, सी पे, डी पे, जहां मर्जी आप ऐड कर लें। यहां पे देखें सारी डेटा फाइल्स यूजर वन में ऐप ओरेकल ओरा डेटा के नाम से फोल्डर है, डेटाबेस के नाम से फोल्डर है, वहां पे ये डेटा फाइल्स पड़ी है। डेटा फाइल्स की एक्सटेंशन जो है डॉट डीबीएफ है, एक्सटेंशन डजंट मैटर, आप जो मर्जी एक्सटेंशन दे दें। मैं क्या करता हूँ इसी लोकेशन पे एक नई डेटा फाइल ऐड कर देता हूँ, ये लोकेशन मैं कॉपी कर रहा हूँ, वैसे जरूरी नहीं आप उसी लोकेशन पे करें, आप जहां मर्जी आप जहां पे आपके पास जगह है वहां पे आप डेटा फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ क्रिएट टेबल स्पेस माई टीबीएस डेटा फाइल सिंगल कोर्स में, जहां पे आप वो फाइल प्लेस करना चाहते हैं उस लोकेशन का पाथ, फाइल का नाम, फाइल का नाम जो मर्जी रखते हैं। यूजली जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं और जो कन्वेंशन फॉलो की जाती है वो टेबल स्पेस का नाम, टेबल स्पेस का नाम है माई टीबीएस, और आगे साथ पहले अगर डेटा फाइल है तो 01 डॉट डीबीएस कर दो, और साइज जो 20 एम या 10 जी या जो जीबीज में देना चाहिए एमबीज में देना। ये एक नई टेबल स्पेस क्रिएट हो गई है। अब ये टेबल स्पेस किसी यूजर को असाइन करनी है तो ऑल्ट यूजर या लेट्स से अब ग्रांट ऑल्टर यूजर एचआर कोटा अनलिमिटेड कोटा अनलिमिटेड ऑन आगे टेबल स्पेस का, ठीक है। एक नया यूजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर टेस्ट आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट डिफॉल्ट टेबल स्पेस माई टीबीएस कोटा अनलिमिटेड ऑन माई एडिटर नहीं सेट हुआ वो ठीक है जी। एक नया यूजर क्रिएट होगा उसको ये डिफॉल्ट टेबल स्पेस एलोकेट होगी। अब ये यूजर जब लॉगिन होकर टेबल क्रिएट करेगा तो इस टेबल स्पेस की डाटा फाइल में उसको एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा उसके टेबल को, और फिर उसमें डेटा एंटर होना इस यूजर की अपने तमाम जरूरत होंगे इसी टेबल स्पेस में। हाँ, अब अगर आप ये इसको किसी और टेबल स्पेस पे भी कोटा अगर मिला हुआ है तो ये एंड में टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम दे देगा, तो उस पर्टिकुलर अगर ये किसी टेबल स्पेस का नाम नहीं देता, एक यूजर को एक वक्त में एक से ज्यादा टेबल स्पेसेस मिल सकती है, लेकिन एक डिफॉल्ट होगी बाकी सारी नॉन डिफॉल्ट होंगी। तो बाय डिफॉल्ट जब वो टेबल क्रिएट करेगा और टेबल किसी टेबल स्पेस का नाम नहीं देगा तो उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस में जाकर टेबल क्रिएट होगा, और वो टेबल स्पेस का नाम देगा तो फिर वहां पे जाके क्रिएट होगा, प्रोवाइडेड के उसको उस पे कोटा टेबल स्पेस का नाम दे सकता है, टेबल टेबल डेटा फाइल का नाम नहीं दे सकता। नहीं 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 टेबल स्पेस का नाम देगा। सर ये क्वेश्चन, हाँ जी, सारा डेटा एक टेबल स्पेस को नहीं होता जी, सारा डेटा एक ही टेबल स्पेस में होता है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बहुत सारा आप इंडेक्सेस के लिए अलग टेबल स्पेस रखते हैं, टेबल्स के लिए अलग टेबल स्पेस रखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं। अब आप आपके अगर टेबल्स का साइज, कुछ टेबल्स हैं जो कि छोटे होते हैं आपकी एप्लीकेशन में, लुकअप टेबल्स जिनको आप कहते हैं, उनको अलग टेबल स्पेस में रखते हैं, जो बड़े टेबल्स हैं 10 जीबी 5 जीबी से बड़े टेबल उनके लिए अलग टेबल स्पेस बनाते हैं, इस तरीके से सेग्रीगेट कर करते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप नॉर्मली कहें ऐसा भी होता है कि आपके सारे यूजर्स का डाटा एक ही टेबल स्पेस में होता है, ये भी होता है कि हर यूजर के लिए डिफरेंट टेबल स्पेस होती है,
ये भी होता है कि एक यूजर के लिए बहुत सारी टेबल स्पेसेस होती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आप जैसे जैसे आप रखना चाहें। अगर डाटा फाइल इसी नाम से ऑलरेडी पड़ी हुई है उस लोकेशन पे, नहीं डाटा फाइल ना क्रिएट करें उसको यूज कर ले, लेट से आपने एक टेबल स्पेस पहले बनी हुई थी आपके पास, आपने ड्रॉप कर दी लेकिन वो ऐसे उसकी फाइल्स नहीं रिमूव की, तो हो जाते हैं कि वही फाइल दोबारा से यूज होना शुरू हो जाएगा, डाटा सेम रहेगा, नहीं नहीं डाटा नहीं सेम रहेगा, वो फॉश हो जाएंगी, बस ये होगा कि उसको उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी स्पेस एलोकेशन की, वो फट जाएंगी ऑलरेडी, हाँ वो ऑलरेडी ओवर राइट हो जाएंगे, वो स्टेबल स्पेस के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ डाटा था वो अवेलेबल नहीं रहेगा आपको। ठीक है जी, समझ आ रही है? अच्छा जी, आप करें थोड़ा क्रिएट आप भी। और यही अगर आपने करना हो इंटरप्राइज मैनेजर से, तो इंटरप्राइज मैनेजर में अगर आप लॉगिन हो उसमें सर्वर के टैब के ऊपर ये आपके पास स्टोरेज के ऑप्शन है, इसमें टेबल स्पेसेस, उसमें जाके आप टेबल स्पेसेस पे जाके नई टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा आपको ग्राफिकल में एक ही दफा गो थ्रू करा दूंगा, ठीक है, उसमें आप बहुत सारे ऑप्शन बता सकते हैं, आप ग्राफिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो आप व्यू से देख सकते हैं वही सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली देख सकते हैं, टेबल स्पेसेस कितनी है, उनकी टोटल स्पेस कितनी है, यूज कितनी है, वो आपको ग्राफिकली सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा। टेबल स्पेस ऑल्टर करके उसमें डाटा फाइल ऐड की जा सकती है, डाटा फाइल का नाम, डाटा फाइल को रीसाइज किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं एक टेबल स्पेस को ऑल्टर करके। टेबल स्पेस की डिटेल जनरेट की जा सकती है ताकि उसका स्क्रिप्ट जनरेट करके आप रख लें, रीड ओनली कर सकते हैं उसको, रीड राइट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन एक टेबल स्पेस के ऊपर किए जा सकते हैं, साथ साथ हम करते रहेंगे आगे चलते हैं। टेबल स्पेस को ड्रॉप करना हो तो सिंपली ड्रॉप टेबल स्पेस का नाम देते हैं, टेबल स्पेस ड्रॉप हो जाएगी, और इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स करें तो वो इसमें से उसकी फाइल्स भी रिमूव कर देगा, ठीक है, तो टेबल स्पेस ड्रॉप करेंगे तो उसका सारा डाटा जितना भी था वो सारा डाटा गया उसी यूजर का, ठीक है सर। टेबल स्पेस बनाई है, यूजर को साइन की, टेबल स्पेस ड्रॉप कर दी, फिर एक बार टेबल स्पेस यूजर के फर्क नहीं पड़ेगा यूजर पे, लेकिन उसने जितना वो डाटा उस टेबल स्पेस में, जितने टेबल्स उस टेबल स्पेस में स्टोर किए होंगे वो सारे लॉस हो, वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। नहीं आप नेक्स्ट टाइम अगर उसको लेट से किसी और टेबल स्पेस पे राइट्स नहीं है, सिर्फ किसी वो डेफिनेटली उसको एरर आएगा कि आपको वो अंडरलाइन टेबल स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगा उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस में। तो टेबल स्पेसिस की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो डीबी एंड उसको टेबल स्पेसिस का व्यू है, या वी डाल उसमें टेबल स्पेस है, इनके थ्रू देख सकते हैं आप। टेबल स्पेसिस के कंटेंट्स देखे जा सकते हैं कि कौन सी मैप आपको, एक्सटेंट मैप इसको कहते हैं, एक्सटेंट मैप आपको दिखा देगा कि किस तरह के ब्लॉक्स हैं, कौन से यूज हैं, कौन से फ्री हैं एंड सो ऑन, ठीक। देन जी ओएमएफ, ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। अच्छा, नॉर्मली ओएमएफ जो है ना वो आपका जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं एएसएम के ऊपर तो ओएमएफ बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, ठीक है। दो चीजें बड़ी रेफर की जाती हैं बार बार, एक होता है, एक है टर्म्स एंड दो टर्म्स, एक है ओएफए और एक है ओएमएफ, इन दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। ओएफए इज ओरेकल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर क्या है, ओरेकल जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको अलाउ आपको सजेस्ट करता है ना, जैसे आप करें जी यू 01 के डायरेक्ट रूट माउंट पॉइंट बनाए, उसमें ईपीपी का फोल्डर बनाए, उसमें ओरेकल के नाम से फोल्डर बनाए, उसमें प्रोडक्ट के नाम से बनाए, उसमें 11.2.0 के नाम से फोल्डर बनाए, उसमें डीबी होम 1 या डीबी अंडरस्कोर 1 के नाम से फोल्डर, ये जो डायरेक्टरी हायरार्की वो आपको रेफर करता है ना, ओरेकल बेस होना चाहिए, ओरेकल होम होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड ओरेकल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। ओरेकल जो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रिकमेंड करता है कि आपका ओरेकल होम इस तरीके से होना चाहिए, ओरेकल बेस इस तरीके से होना चाहिए, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका ओएफए के खिलाफ है।
लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं, आप जरूरी नहीं है किसको फॉलो करें, लेकिन फॉलो करें तो बेहतर है, ठीक है। ओ एम एफ क्या है? ओ एम एफ है जी ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स, ये क्या करता है? आप वैसे नॉर्मली अगर कोई टेबल स्पेस क्रिएट करें तो उसकी स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम, डेटा फाइल, उसका नाम और पाथ और साइज, जितना साइज देना चाहते हैं। सर अगर आप उसमें ये डाटा फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते, सिर्फ बस क्रिएट टेबल स्पेस नेम, हाँ वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप ये करते हैं तो आपकी एक टेबल स्पेस क्रिएट हो जाती है। आप चाहते हैं कि आप डाटा फाइल का नाम और पाथ ना दें, एक डिफॉल्ट लोकेशन आपने लेट से सिलेक्ट कर ली है, आपने एक डिफॉल्ट लोकेशन सिलेक्ट कर ली है कि यूजर वन है, उसमें एक फोल्डर है डाटा के नाम से। आप चाहते हैं जब भी आप कोई टेबल स्पेस क्रिएट करें उस टेबल स्पेस की डाटा फाइल यहां पे आपके खुद ही क्रिएट हो जाए, इस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस लोकेशन को इनेबल कर दें, उसको कहते हैं ओएमएफ इनेबल कर दें, आप ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स इनेबल कर दें। वो इनेबल करेंगे तो आपको एक पाथ बताना पड़ता है कि जब टेबल स्पेस क्रिएट हो तो कहां पे जाके डाटा फाइल ऐड करें, डेटा फाइल का नाम भी खुद देगा, साइज भी खुद देगा, 500 MB की डेटा फाइल बनेगी और उसका नाम भी ओरेकल खुद देगा, वो ओएमएफ कराती है ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं, उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। जब मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं तो इट मींस के एसपी फाइल के अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनको सेट करना पड़ेगा। शो पैरामीटर क्रिएट करो, डीबी क्रिएट फाइल डेस्क का एक पैरामीटर है, इसमें आप जो पाथ सेट कर देंगे वहां पे आपकी डाटा फाइल्स खुद ही क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, मेरे पास ये फोल्डर है यूजर वन और डाटा, मैं ये इसका पाथ यहां पे सेट कर लेता हूं, मैं कहता हूं अल्टर सिस्टम सेट डीबी क्रिएट फाइल डेस्क equals to slash user one slash data, ठीक है। इस फोल्डर में ऑलरेडी अभी कुछ भी नहीं है, मैं करता हूँ जी क्रिएट टेबल स्पेस, स्कोप डिफाइन करने की जरूरत है कि नहीं? ये टाइनिंग के पैरामीटर है ना, तो वो दोनों जगह पे चेंज होते हैं। मैं टीपीएस टेस्ट टीपीएस में कर रहा हूँ क्रिएट टेबल स्पेस क्रिएट होगी, अगर ये पैरामीटर नहीं सेट हुआ होगा तो ये फिर एरर देगा कि आपने डेटा फाइल का नाम और पाथ नहीं दिया। अगर ये पैरामीटर सेट हुआ होगा तो फिर ये आपको कोई एरर नहीं देगा, वो खुद ही एक डिफॉल्ट लोकेशन में डेटा फाइल ऐड कर देगा। एलएल करके देखें, अब ये देखें उसने एक फोल्डर बनाया टीपी लेमन जी के नाम से, यहाँ पे डेटा फाइल के नाम से फोल्डर बनाया है और यहाँ पे ये एक डेटा फाइल ऐड कर दी 01_MF O1_MF _table_space का नाम _ कोई यूनिक नंबर .dbf करके एक फाइल का नाम दे दिया और 100 MB की ये फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से 100 MB रखेगा और ऑटो ग्रो होगी ये फाइल, अगर 100 MB फुल हो जाएगी तो वो खुद से ग्रो करना शुरू हो जाएगी, इसको कहते हैं ऑटो एक्सटेंडेड फाइल है ये। आपकी जो डाटा फाइल होती है आप उनको ऑटो एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑटो एक्सटेंड का मतलब है जब वो फुल हो जाएंगी आपने इनिशियल जो साइज दिया उसके बाद वो खुद से ग्रो करना शुरू कर देंगे और एक डाटा फाइल मैक्सिमम 32 GB तक जा सकती है। वो देखें वो बाय डिफॉल्ट सेम, अगर आप नॉर्मली आप यूनिफॉर्म एक्सटेंड साइज होता है सबके लिए सेम ही एक्सटेंड साइज होता है। देखें आप एक से ज्यादा डाटा फाइल शुरू में ही टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं ना, एक से ज्यादा डाटा फाइल रखते हैं और उनको स्प्रेड आउट करके रखते हैं, अगर आप एएसएम नहीं यूज कर रहे फिर मल्टीपल डिस्क के ऊपर डिफरेंट डाटा फाइल रखेंगे ताकि वो पैरेलल में सारी डाटा फाइल्स को यूज कर रहा होता है, ठीक है। जब एक टेबल क्रिएट होगा एक एक्सटेंड उसको पहली डाटा फाइल में लोकेट होगा, नेक्स्ट एक्सटेंड उसको दूसरी डाटा फाइल में लोकेट होगा, उससे अगला एक्सटेंड तीसरी डाटा फाइल में लोकेट होगा, तो डाटा स्प्रेड आउट हुआ होता है इवनली अक्रॉस डाटा फाइल्स, ठीक है जी। तो ये आपने ये पैरामीटर सेट कर दिया, आप कोई भी आप डाटा फाइल है टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे उसमें खुद से ही डाटा फाइल ऐड कर देगा और डिफॉल्ट लोकेशन पे। मैं एक नई टेबल ऑलरेडी मेरे पास एक टेबल स्पेस थी
टेबल स्पेस माई टीपीएस, मैं करता हूँ एड डेटा फाइल, अल्टर करके उसमें एड डेटा फाइल करता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट। वैसे नॉर्मली अगर आप करें तो आप करते हैं अल्टर टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम एड डेटा फाइल और सिंगल कोट्स में डेटा फाइल का नाम और पाथ और उसका साइज देते हैं। अगर आपने ओएमएफ इनेबल किया तो सिंपली आप अल्टर टेबल स्पेस का नाम एड डेटा फाइल करेंगे तो उसी लोकेशन पे एक डेटा, डिफॉल्ट लोकेशन पे एक डेटा फाइल ऐड कर देगा। डीबी क्रिएट फाइल डेस्क का जो पैरामीटर है वो आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है। डीबी क्रिएट फाइल डेस्क का पैरामीटर डेटा फाइल्स के लिए है, डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट 1 से लेकर लॉग डेस्ट 5 तक के पैरामीटर्स रीडू लॉग फाइल्स के लिए, रीडू लॉग ग्रुप्स के लिए और कंट्रोल फाइल्स के लिए, ठीक है। ग्रुप ऐड करेंगे फाइल्स जो खुद ही वो ऐड करेंगे, हाँ वो खुद ही, लेकिन वो इन पैरामीटर्स को देखेगा। रीडू लॉग फाइल के आपने दो पैरामीटर सेट किए, डेस्ट 1 और डेस्ट 2 और दो डिफरेंट लोकेशन सेट कर दी, तो क्या करेगा, आपने एक रीडू लॉग ग्रुप ऐड किया, वो आगे चल के हम देखेंगे रीडू लॉग ग्रुप कैसे ऐड करते हैं। आपने एक रीडू लॉग ग्रुप ऐड किया उसमें दो मेंबर्स ऐड कर देगा, एक मेंबर डेस्ट 1 पे ऐड करेगा, दूसरा मेंबर डेस्ट 2 पे ऐड करेगा, और साथ ही मतलब मिररिंग भी कर रहा होगा। हाँ वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट, अगर हम दो पैरामीटर सेट किए बाय डिफॉल्ट भी कर रहा होगा। तो दिस इज ओएमएफ, ओरेकल मैनेज फाइल्स। स्पेसिफिक फाइल ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स रेदर देन द फाइल नेम्स, क्रिएट डीबी क्रिएट फाइल डेस्क डिफाइन द लोकेशन ऑफ द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम डायरेक्टरी फॉर डेटा फाइल्स एंड टेम्पररी फाइल्स, डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट एन, एन का मतलब नंबर है 1 से लेकर 5 तक है ये, डिफाइन द लोकेशन फॉर रीडू लॉग फाइल्स एंड कंट्रोल फाइल्स, एंड डीबी रिकवरी फाइल डेस्क ये भी हमने नहीं पढ़ा, डिफाइन द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर फास्ट रिकवरी एरिया या फ्लैश रिकवरी एरिया, इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आपने करना है ऑल्टर सिस्टम सेट डीबी क्रिएट फाइल डेस्क इक्वल टू, अगर आपने इसको किसी एएसएम को कोई डिस्क ग्रुप देना है तो सिंपली उसका नाम दे रहे, अगर आपने कोई डायरेक्टरी देनी है तो फिर पाथ देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर सिंपली क्रिएट टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम दे। तो बाय डिफॉल्ट जब आप एएसएम पे कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसका ये बाय डिफॉल्ट नहीं है बोलूंगा वो है ऑलरेडी सेट हुआ है। देन जी इनलार्जिंग द डेटाबेस, यू कैन इनलार्ज द डेटाबेस इन द फॉलोइंग वेज, क्रिएट अ न्यू टेबल स्पेस, डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा ना, डेटाबेस का टोटल साइज कितना होता है वो आपकी जितनी टेबल स्पेसेस हैं उनकी जितनी डेटा फाइल्स हैं उनको और कंट्रोल फाइल्स हैं और रीडू लॉग फाइल्स हैं उनका साइज सम करने आपकी डेटाबेस का साइज, तो कंट्रोल फाइल रीडू लॉग फाइल्स का साइज तो इतना नहीं होता एक्चुअली, तो आपकी डेटा फाइल्स का साइज होता है। अब एक नई टेबल स्पेस ऐड करें उसमें डेटा फाइल डेफिनेटली ऐड करेंगे तो आपकी डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। आप एक नई डेटा फाइल ऐड कर देते हैं किसी टेबल स्पेस में या किसी डेटा फाइल का साइज इंक्रीज कर देते हैं या किसी डेटा फाइल का डायनेमिक एक्सटेंशन ऑन कर देते हैं आपकी डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नई टेबल स्पेस बनाते हैं, नई डेटा फाइल ऐड करते हैं, यूज बिल्कुल नहीं करते को सारा उसको रिजर्व तो हो जाता है, हाँ रिजर्व हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, डिस्क्राइब करता हूँ डीबीए अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स, सिलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑटो एक्सटेंसिबल फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर डेटा ठीक है। तो ये मेरे पास जो डाटा फाइल्स हैं ये देखें ऑटो एक्सटेंसिबल यस हुआ हुआ है, एक ये थी माई टी बी एस 01 ये नो हुआ हुआ है, ठीक है, जो मैंने खुद बनाया। तो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे उसमें कोई डाटा फाइल ऐड करेंगे खुद से पाथ देके तो वो ऑटो एक्सटेंसिबल उसका नो होगा, अगर ओएमएफ इनेबल्ड अगर आपने की थी तो उसका ऑटो एक्सटेंसिबल यस होगा। तो अगर आपने किसी डाटा फाइल का ऑटो एक्सटेंसिबल ऑन या ऑफ करना तो आप करेंगे ऑल्टर डेटाबेस डेटा फाइल सिंगल कोट्स में उस फाइल का नाम और पाथ ऑटो एक्सटेंड ऑन या ऑफ, ठीक है, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ऑटो एक्सटेंड आपने ऑन कर दिया, अब जब ये डाटा फाइल जितनी साइज की जैसे 10 MB की मैंने बनाई थी, जब 10 MB ये फुल हो जाएगी फिर ये खुद से ग्रो करना शुरू कर देगी और मैक्सिमम जाएगी 32 GB। आप अपर साइज इसका भी कंट्रोल कर सकते हैं कि 10 GB से ज्यादा बड़ी ना बने, मैक्स साइज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो एक्सटेंड ऑन रखें ताकि स्पेस के इश्यूज ना आए आपको। आपका वो जो पैरामीटर सेट होगा या नहीं होगा, नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि आपकी डेटाबेस में दोनों तरह की फाइल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो ओएमएफ के थ्रू हो या नॉन ओएमएफ हो, दोनों हो सकती हैं। देखिए मेरे अगर आप ये देखें
मेरी इस केस में ये देखें, ये सारी नॉन ओएमएफ फाइल्स हैं, ये ओएमएफ है, ये ओएमएफ है, क्योंकि फाइल के नाम से मुझे पता चल रहा है, ठीक है ना। तो आपकी एक डेटाबेस में ओएमएफ फाइल्स भी हो सकती हैं, अगर आपने वो पैरामीटर सेट किया हुआ है और आप खुद से एक्सप्लिसिटली पाथ और फाइल का नाम और साइज दे देते हैं, तो फिर वो ओएमएफ खुद ही देखेगा, फिर वो खुद ही आप डेटा फाइल ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल का नाम और पाथ नहीं देते तो फिर ओएमएफ की सेटिंग को देखेगा। तो आपकी एक डेटाबेस में दोनों तरह की फाइल्स हो सकती हैं, ओरेकल मैनेज फाइल्स भी हो सकती हैं और नॉन ओरेकल मैनेज फाइल्स भी हो सकती हैं। एक आपकी टेबल स्पेस में कितनी डेटा फाइल्स हो सकती हैं, एक टेबल स्पेस में बहुत सारी डेटा फाइल्स हो सकती हैं, हाँ एटलीस्ट वन, और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, हाँ मल्टीपल हो सकती हैं। अच्छा, आपकी दो तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं, एक होती है स्मॉल फाइल टेबल स्पेसेस और एक होती है बिग फाइल टेबल स्पेसेस। बाय डिफॉल्ट जो आप टेबल स्पेस क्रिएट करते हो, जो हमने क्रिएट की है क्रिएट टेबल स्पेस की कमांड के थ्रू, वो स्मॉल फाइल टेबल स्पेसेस है। स्मॉल फाइल टेबल स्पेस में एक वक्त में एक से ज्यादा डेटा फाइल हो सकती है, ठीक है। जबकि अगर आप बिग फाइल टेबल स्पेस क्रिएट करें, आप लेट से करें क्रिएट बिग फाइल टेबल स्पेस का नाम डेटा वन, सिंपली लेट से ओएमएफ इनेबल कर देता हूं, एक बिग फाइल टेबल स्पेस क्रिएट होगी, उसमें एक ही डेटा फाइल हो सकती है और उस डेटा फाइल का साइज अप टू टेराबाइट्स जा सकता है, आई थिंक 124 टेराबाइट तक एक डेटा फाइल, वो एक ही डेटा फाइल हो सकती है टेबल स्पेस, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। रीजन ये है कि आप डेटा फेयर हाउसेस टाइप इन्वायरमेंट में ना, आपको चाहिए होता है कि आपकी, क्योंकि बहुत ह्यूज डेटा आ रहा होता है, आप चाहते हैं कि आपका वो डेटा एक ही फाइल के अंदर डंप हो जाए। अब बिग फाइल टेबल स्पेस की लिमिटेशन ये है कि एक ही फाइल रख सकते हैं आप, क्योंकि एक से ज्यादा रखेंगे तो ये होगा ये कि वो आपके पास इतनी स्टोरेज यूजली अवेलेबल नहीं होती कि वो मल्टीपल फाइल्स को हैंडल कर सके, और मल्टीपल बिग फाइल टेबल स्पेसेस होंगे तो उनका एक टेबल स्पेस के अंदर मल्टीपल वो लार्जर फाइल्स होंगी तो उनका बैकअप एक बड़ा इशू होगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही बड़ी फाइल रख सकते हैं आप, और दूसरा फिर वो बिग फाइल और स्मॉल फाइल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप वो डिफरेंस नहीं रहेगा, अगर आपकी बिग फाइल टेबल स्पेस में भी एक से ज्यादा डेटा फाइल हो सकती है, स्मॉल फाइल टेबल स्पेस में भी एक से ज्यादा डेटा फाइल हो सकती है, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो उसको उसको इफेक्टिव बनाने के लिए बिग फाइल टेबल स्पेस दीजिए और उसमें एक ही डेटा फाइल रखिए, ठीक है। सर बिग फाइल में जो डाटा स्टोर करना है टेबल्स का, उसको डाटा कोई होती है कि सिर्फ लॉग वाले होंगे, जैसे मर्जी आप, वो तो नॉर्मल आपके लिए एक टेबल स्पेस है बस, ठीक है। उसकी स्टोरेज ज्यादा है बस, यानी उसमें एक डेटा फाइल होगी, उसमें उसका साइज टेराबाइट तक जा सकेगा। नॉर्मल एक स्मॉल फाइल टेबल स्पेस का जो एक डेटा फाइल का साइज वो 32 GB से ज्यादा नहीं हो सकता, आपके बहुत सारी एफर्ट बच जाएंगे। लेट से आपके एक डेटा बेस है, उसमें एक टेबल स्पेस है जिसका साइज है जी लेट से 10 TB, 10 TB की अगर वो आपकी एक टेबल स्पेस है उसमें 32 GB की कितने फाइलें होंगी उसमें, ठीक है। हाँ डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो देर विल बी मे बी देर विल बी 100 ऑफ डेटा फाइल्स, तो उन 100 ऑफ डेटा फाइल्स के एडमिनिस्ट्रेशन बचने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसी स्कीमा ऐसे टेबल जो बहुत बड़े हैं उनको एक बिग फाइल टेबल स्पेस में रखते हैं, मैनेजमेंट बहुत जी जो बिग फाइल है वो 124 TB नहीं। अगर आपने ओएमएफ पे किया हुआ, उस पर किया हुआ, एएसएम पे किया, तो फिर तो डेफिनेटली स्मॉल फाइल और बिग फाइल टेबल स्पेस में परफॉर्मेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेजरिंग और स्टेपिंग वो खुद ही कर रहा होगा एएसएम। लेकिन अगर आपने उसको नॉर्मल फाइल सिस्टम पे रखा है तो फिर डिपेंड करता है आपने रेट कौन सा लगाया है, क्या सिचुएशन। तो बिग फाइल टेबल स्पेस मस्ट हैव वन फाइल ऑफ एटलीस्ट 100 MB, ठीक है, तो एक ही फाइल हो सकती है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर जी। तो टेबल स्पेसेस आपको समझ आ गई सर, इनका रीयूज की वो क्या होता है,